नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुमित त्यागी एक बार फिर आपके लिए लेकर हाजिर हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फेज 4 की लेटेस्ट अपडेट। और अभी जो आप देख रहे हैं, यह है रेलवे ओवरब्रिज परतापुर की साइड पे। ये परतापुर एंड जो इंटरचेंज है, तो रेलवे ओवरब्रिज, उसके आगे रोड ओवरब्रिज। मिट्टी भराई का काम इस तरफ काफ़ी तेज़ी से चालू है। काम थोड़ा बच भी रहा है, थोड़ा नहीं, ठीक ठाक बच रहा है, पर देखना ही होगा कि कब तक ये कंप्लीट कर पाते हैं। डामर की रोड बिछाने से पहले जो रोड़े बिछाए जाते हैं, उसका काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। टोल प्लाज़ा भी ऑलमोस्ट बन करके रेडी है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है। और आइए चल करके देखते हैं कि कितना काम हो चुका है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फेज 4 पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने स्ट्रक्चर पे से हमको नीचे उतरना पड़ता है, कितने स्ट्रक्चर बाकी हैं, क्या क्या काम हो चुका है, कहाँ कहाँ रोड नहीं बनी है, और पूरे पैच को कवर करते हुए एंड टू एंड डासना तक यहाँ से हम जाएंगे। तो ये देखिए आप, इधर 19 लेन का ये टोल प्लाजा बन करके तैयार है। कॉन्क्रीट की रोड एंड टू एंड बनाई जा चुकी है। और लेफ्ट में अगर आपको पेड़ जो दिख रहे हैं, ये प्री ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक के तहत दोबारा से लगाया गया है इनको। तो ये देखिए आप, अद्भुत और अविश्वसनीय एक इंजीनियरिंग मार्वल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का, तो 19 लेन का टोल प्लाजा। तो पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है इस पे, और सारी आधुनिक मशीनें और पूरी वर्कफोर्स तेज़ी से काम करती हुई इसको डेडलाइन को मीट करने के लिए। तो ये देखिए आप, अभी भी कुछ काम ऑल्दो बाकी है, चल भी रहा है, पर टोल प्लाजा पे पूरा स्ट्रक्चर, उसकी पूरी छत डाली जा चुकी है, साइड का ऑफिस भी बन चुका है। और हर वीक इन दिनों कुछ नया देखने को इस पूरे एक्सप्रेस वे पे मिलता है। तो आइए चल के आगे देखते हैं और कितना काम बाकी है। तो जिनको इस एक्सप्रेस वे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो थोड़ा सा मैं बता दूँ। तो ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, इंडियाज़ वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे बिटवीन दिल्ली टू दासना, जो कि गाज़ियाबाद का एंड है, और वो 14 लेन का है। और फेज 3 वहाँ से हापुड़ के लिए कट जाता है, और फेज 4 है ये, जो कि ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट पे बना हुआ है, दासना से लेके गाज़ियाबाद से मेरठ तक। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये सुनिश्चित करेगा कि मेरठ से दिल्ली 45 मिनट में ट्रैवल किया जा सके। तो ये दिल्ली के बोझ को कम करने के लिए जो केंद्र सरकार की योजना है, नेशनल कैपिटल रीजन मास्टर प्लान के तहत किया जा रहा है, उसी के तहत मेरठ को भारत की प्रथम रीजनल रैपिड ट्रेन से भी जोड़ा जा रहा है। तो आइए, आप देख सकते हैं इवन डिवाइडर का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, साइड में रेलिंग भी पूरी लगाई जा चुकी है, और सड़क काफ़ी स्मूथ है। डामर की रोड नो डाउट कंक्रीट की रोड से स्मूथ ज़्यादा होती ही है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड अटेन हो पा रही है। तो ये देखिए आप, पूरे स्ट्रेच पे कितना काम बाकी है, इसको हम गिनते चलेंगे यहाँ के आगे। तो